बिमि अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट स्पीच कम्युनिटीज सो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर स्पीच कम्युनिटीज़ सम डेफिनेशंस ऑफ स्पीच कम्युनिटीज़ करेक्टर ऑफ स्पीच कम्युनिटीज टू दैट आर एम्पिसाइज्ड बाई स्पीच कम्युनिटी इंटरेस्टिंग कम्युनिटीज नेटवर्कस एंड रेपरटाइज सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्पीच कम्युनिटी स्पीच कम्युनिटी को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कम्युनिटी कि वाट इज कम्युनिटी अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग पीपल लिविंग इन कॉमन लोकेशन एक ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरेक्ट करता हो और उनकी एक कॉमन लोकेशन हो उनकी जो बातचीत होगी दैट दे विल शेयर पर्सनल वैल्यूज़ दे विल टॉक और दे विल शेयर कल्चरल वैल्यूज़ या तो बिजनेस गोल्स के बारे में बात करेंगे और एटीट्यूड और अ वर्ल्ड व्यू तो दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी अब बात करते हैं स्पीच कम्युनिटी व्हाट इज़ स्पीच कम्युनिटी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम लैंग्वेज एक ऐसा ग्रुप जो सेम लैंग्वेज को शेयर करते हो स्पीच करेक्टरिस्टिक्स एंड वेज़ ऑफ़ इंटरप्रटिंग कम्यूनिकेसन देखो सिंपल मैं अगर कहूँ जैसे कोई जगह या कॉलोनी जहाँ पे सब या तो उर्दू में या हिंदी में या इंग्लिश में या कोई दुनिया की कोई भी ज़बान हो उसमें बात करते हो तो वहाँ की जो स्पीच कम्यूनिटी है वो इन लैंग्वेज में से कोई है मतलब उनकी जो स्पीच कम्यूनिटी है या तो वो उर्दू वाले होंगे या हिंदी वाले होंगे या इंग्लिश वाले होंगे अब यहाँ पे जो सेकंड डिफिनीशन है ऑल द पीपल हु यूज़ गिवन लैंग्वेज और डायलेक्ट इज़ कॉल्ड स्पीच कम्युनिटी अब जब सपोज़ जो हिंदी स्पीकर होंगे या उर्दू स्पीकर होंगे या इंग्लिश स्पीकर उनका जो डायलेक्ट होगा वो भी सेम होगा तब वो स्पीच कम्युनिटी कहलाएंगे स्पीच कम्युनिटी का जो वर्ड है ये जर्मन वर्ड है और इसकी हम मुख्तलिफ़ डिफेस पढ़ेंगे सो so, स्पीच कम्युनिटी के मुख्तलिफ डेफिनेशन में फैला है दिलाट अ स्पीच इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म अ कम्युनिटी एंड शेयर द सेम लैंग्वेज और अ पर्टिकुलर वराइटी ऑफ लैंग्वेज स्पीच कम्युनिटीज कैन बी लार्ज और स्मॉल और लैंग्वेज डोंट एग्री और हाउ दे आर डिफाइंड ये जो लास्ट सेंटेंस इसने लिखे के लैंग्वेज डोंट एग्री एंड हाउ दे आर डिफाइंड ऑब्वियसली मैं इसके बताऊँगा कि लैंग्विस्ट के स्पीच कम्युनिटी का एक्चुअली प्रॉपर डिफिनेशन है ही नहीं वो कैसे मैं बताऊंगा आपको जब हम ये डिफिनेशन्स पढ़ेंगे तो इसके बाद जॉन लाइन्स ने क्या कहा नाइनटीन सेवेंटी थ्री ट्वेंटी सिक्स डिफाइन स्पीच कम्युनिटी इज एज ऑल पीपल हु यूज़ अ गिवन लैंग्वेज और डायलैक्ट मीन्स उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी कोई दूसरी लैंग्वेज इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी दैट विल बी स्पीच कम्युनिटी फिर तीसरी डेफिनेशन आर ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर रूल्स फॉर कंडक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग एट लीस्ट वन वराइटी लैंग्वेज और डायलैक्ट अगेन वही बात है कि एक ही लैंग्वेज होगी एक ही डायलैक्ट होगा द टर्म कैन बी अप्लाई टू अ नेबरहुड अ सिटी अ रीजन और अ नेशन इसकी एग्जाम्पल क्या है देखो स्पीकिंग सेम लैंगवेज बाई ग्रुप इसका ये मतलब नहीं कि वो सेम कम्यूनिटी से उनका ताल्लुक होगा एग्जाम्पल क्या होगा जैसे स्पीकर ऑफ साउथ एशिया अब जो साउथ एशियन है उनकी जो इंग्लिश है जैसे वो इंडिया में पाकिस्तान में दे शेयर अ लैंग्वेज विद द ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर विद आउट शेयरिंग देयर कम्यूनिटीज़ अब जब वो आपस में बात करेंगे तो उनकी कम्यूनिटी तो डिफरेंट होगी ना मतलब उर्दू स्पीकर डिफरेंट हैं हिंदी स्पीकर डिफरेंट है इसी तरह जब वो आपस में बात करेंगे उनकी कम्यूनिटी तो डिफरेंट है लेकिन जब वो आपस में बात करेंगे उनकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी अब वो स्पेसिफ़िक लैंग्वेज कोई भी हो सकती है या तो वो मुकम्मल उर्दू में बात करेंगे या तो वह मुकम्मल इंग्लिश में बात करेंगे या तो वो मुकम्मल तो हिंदी में बात करेंगे ये लास्ट डेफिनेशन पढ़ के मैं आपको बताऊँगा कि स्पीच कम्यूनिटी एग्जिस्ट करती भी है यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज एंड शेयर द सेम वर्ड्स मतलब जो स्पीच कम्यूनिटी है वो सेम वर्ड्स भी यूज़ करेंगी एंड ग्रामर वर्ड्स इवन जो ग्रामर वर्ड्स है जैसे आ ग्रूप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर थ्रू आउट दी वर्ल्ड अब हम बात करें कि वाकई स्पीच कम्यूनिटी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं देखो स्पीच कम्यूनिटी जहाँ तक मतलब जो मैंने देखा है और मैंने पढ़ा है इसके बारे में स्पीच कम्यूनिटी की कोई प्रॉपर डिफिनीशन है ही नहीं वो कैसे जब सपोज अगर दो बंदे आपस में मिलें बेशक वो एक ही मतलब वे एक ही विलेज के होंगे लेकिन उनका जो डायलेक्ट होगा वो डिफ़रेंट होगा उनकी जो जब आपस में बात करेंगे जब उनका एक्सेंट होगा वो डिफ़रेंट होगा वो कैसे डिफरेंट होगा सपोज़ अगर एक बंदा इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहा है और दूसरा जो है मुकम्मल उर्दू में बात करें तो स्पीच कम्युनिटी कोई मतलब कंस्ट्रक्ट नहीं हुई मतलब कोई बिल्ड तो नहीं हुई स्पीच कम्युनिटी क्योंकि वो एक जो है इंग्लिश के वर्ड हालांकि एक ही गांव के होंगे एक ही जगह के होंगे एक ही कंट्री के होंगे चलो गांव को साइड पे रख के एक ही कंट्री के होंगे लेकिन उसके बावजूद उनकी जो कम्बिनेशन होगी उनके जो डायलेक्ट होंगे उनके जो एक्सेंट होगा वो डिफरेंट होगा सो so, इससे हमें ये पता चलता कि स्पीच कम्युनिटी एग्जिस्ट करता ही नहीं अगर करता भी है तो फिर जब वो आपस में बात करेंगे तो उनका फिर ऑब्वियसली एक ही डायलेक्ट होगा एक ही तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे एक ही लैंग्वेज में बात करेंगे बट आई डोंट थिंक सो कि स्पीच कम्युनिटी जो है एग्जिस्ट करती है उसके बाद हम बात करेंगे करेक्टरस्टिक्स ऑफ स्पीच कम्युनिटीज़ अब पहला करेक्टरिस्टिक्स इसने क्या बताया कि दिस स्पीक द सेम लैंग्वेज और डायलेक्ट अब वही बात आ जाती कि क्या जब आपस में दो दोस्त मिलते हैं या दो विलेज वाले मिलते हैं या दो सिटी वाले मिलते हैं दो कंट्री वाले मिलते हैं किसी और मुल्क में तो क्या उनका जो डायलेक्ट होगा या उनकी जो लैंग्वेज होगी वो सेम होगी चलो वो अगर सेम होगी भी लेकिन जब वो आपस में बात करेंगे उनका एक्सेंट तो डिफरेंट होगा और वो जब वर्ड्स यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होंगे

जितने भी डिफिनीशन्स मैंने इधर लिखे हैं जो मैंने आपको पढ़ा है इधर दैट्स आई मीन टोटली आई लाइक यूज़लेस यूजलेस तो नहीं कह सकते मतलब कोई प्रॉपर कंसेप्ट दे ही नहीं रहा क्योंकि स्पीच कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती अगर करती भी है तो फिर उनको एक ही लैंग्वेज यूज़ करनी होगी सो आई डोंट थिंक सो इट एग्जिस्ट्स एंड वट डू यू थिंक राइट इन कमेंट सेक्शन फिर उसके बाद टू तो कॉन्सेप्ट्स दैट आर हाँ एम्पिसाइज बाई स्पीच कम्युनिटी अब दो कन्सेप्ट होंगे दो कन्सेप्ट ऐसे होंगे जिन पे स्पीच कम्युनिटी जो है वो एम्पिसाइज करेगी वो कौन से कन्सेप्ट होंगे सबसे पहला करे जो कन्सेप्ट है दैट शेयर्ड कम्युनिटी मेम्बरशिप शेयर्ड कम्युनिटी मेम्बरशिप का क्या मतलब है इसका मतलब है कि आपका जो ताल्लक होगा वो एक स्पेसिफिक प्लेस लाइक like किसी विलेज किसी टाउन या किसी मुल्क से होगा और यू आल्सो नीड टू शेयर सम कॉमन हॉबीज फिर उसके बाद इंटरेस्ट इन लाइफ स्टाइल इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड बाय दैट कम्युनिटी तो अब आपकी हॉबीज़ भी डिफरेंट होंगी जब आप किसी से मिलेंगे सो so, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप में जब आप किसी से मिलते हो आप मतलब वो बंदा और आप दोनों एक ही टाउन से होंगे एक ही विलेज से होंगे एक ही कंट्री से होंगे और आप लोगों की जो हॉबीज़ होंगी वो मतलब एटी परसेंट तक सिमिलर होनी चाहिए या फिफ्टी परसेंट तक कर ले और उसके बाद लाइफ स्टाइल इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड बाई देट कम्यूनिटी फिर दूसरा है शेयरड लैंग्विस्टिक कम्यूनिकेशन इसका क्या मतलब है इसका सिंपल से मतलब ये है कि जिससे आप बात कर रहे हो उसको आपकी लैंग्वेज की समझ आनी चाहिए मींस यू स्पीक द सेम लैंग्वेज दैट द पर्सन द पर्सन हु इज़ टॉकिंग टू यू या इस तरह कह ले कि मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू अ लैंग्वेज देर शुड बी मैचुअल इंटेलिजिलिटी यू नीड टू बी अंडरस्टूड बाय अदर मेंबर्स ऑफ दैट स्पीच कम्युनिटी ज़रूरी नहीं एक ही शख़्स हो ज़्यादा भी हो सकते हैं एंड यू शुड स्पीक द सेम लैंगवेज और यहाँ पे ये करेक्ट्रिस्टिक्स और स्पीच कम्युनिटी में ये दो पॉइंट्स और भी ऐड कर लेना कि फेस टू फेस कॉन्टेक्ट जो है वो नेसरी नहीं होता और उसके बाद वर्ड्स और ग्रामर रूल्स ये जो है एक्सटैंडर्ड होने चाहिए ईच अदर मोर देन दे डू विद मेंबर्स आउटसाइड देयर कम्युनिटी सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग कम्युनिटीज़ इंटरेस्टिंग कम्युनिटीज़ क्या है उससे पहले अगर हम बात करें एस्पेक्ट्स ऑफ मतलब स्पीच कम्युनिटी के पहलू क्या है उसमें क्या आ जाता है उसमें एज रीज़न या स्पेस या सोशल क्लास फैमिली एजुकेशन ऑक्योपेशन हॉबीज जेंडर रेस या एथेंसिटी रिलीजन ये सारे जो है एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच कम्युनिटी है इंटरेस्टिंग कम्यूनिटीज़ की बात करें तो इंटरेस्टिंग कम्युनिटीज़ का मतलब है पीपल डू यूज़ एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट दे हैव सेम आइडिया ऑफ हाउ अ टिपिकल पर्सन फ्राम ईच प्लेस स्पीक्स टू बी अ मेम्बर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीच कम्युनिटी मीनस सम दैट क्लोजली डिफाइंड एग्जाम्पल जैसे न्यूयॉर्क है उसकी स्पीच लंडन की स्पीच साउथ अफ्रीकन की स्पीच सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि एक ग्रुप है ठीक है वहाँ पे क्या होगा उस ग्रुप में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग होंगे तो ये क्या है ये एक इंटरेस्टिंग कम्युनिटीज़ हुई मींस अब क्लास में भी एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल ये है कि मतलब एक क्लास है वहाँ पे क्या होता कि उसमें जो है डिफरेंट लैंग्वेज के जो है लड़के बैठे हैं तो उस ग्रुप में जो है डिफरेंट लैंग्वेज के जो है डिफरेंट स्पीच कम्युनिटी के लोग बैठे अब वी हैव डिफरेंट कम्यूनिटी इन डिफरेंट लैंग्वेज हम सबकी डिफरेंट कम्यूनिटी है डिफरेंट लैंग्वेज में लेकिन एट द सेम टाइम वी आर वन और स्पीच कम्युनिटी मीन्स उस वक्त हमारी जो है एक ही स्पीच कम्यूनिटी होगी और वो स्पीच कम्यूनिटी मतलब कोई भी लैंगवेज में हो सकता है अब सपोज वो ग्रुप जब आपस में बात करेंगे या तो वो सारा ग्रुप जो है उर्दू में बात करेगा या तो वो सारा ग्रुप जो है इंग्लिश में बात करेगा या तो वो सारा ग्रुप जो है हिंदी में बात करेगा तो हुई ना ये एक इंटरेस्टिंग कम्यूनिटीज़ वहाँ पे डिफरेंट कम्यूनिटीज़ के लोग हैं लेकिन जब वो आपस में बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी सो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्टिंग कम्युनिटीज़ दैट कम्स इन इंटरेस्टिंग कम्यूनिटीज़ मीन्स ऑल अस हैव मोर देन वन स्पीच कम्युनिटीज़ इन द सेम टाइम बट

या इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया जर्मन हो गया पर्तगीज़ होगी कोई भी लैंग्वेज हो सकती फिर उसके बाद जैसे बाई मल्टी लैंग्वेजिज़म स्पीच कम्यूनिटी बाई मल्टी लैंग्वेजिज़म का स्पीच कम्यूनिटी मतलब इसका ये है कि जहाँ पर लोग दो या दो से ज़्यादा लैंगवज़ज़ बोलते हो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है कैनेडा है कनेडा किस तरह मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं मेजोरिटी ऑफ द पापुलेशन मीन्स दे आर परफेक्ट इन बॉथ अब एक सवाल है अ पर्सन स्पीक्स उर्दू या हिंदी इंग्लिश पशतो या उर्दू सो विच इज़ हर या हिज स्पीच कम्यूनिटी मीन्स अगर एक शख्स उर्दू बोलता है या इंग्लिश बोलता है या पशतो बोलता है या पंजाबी बोलता है या हिंदी बोलता है तो उसकी कौन सी जो है स्पीच कम्युनिटी होगी पर्सनस नेटिव मदर टोंग शुड बी हर या हिज़ स्पीच कम्युनिटी मींस इसकी एग्जांपल ये है अगर कोई पश्तो बोलता है लेकिन उसकी मतलब स्पीच कम्युनिटी किस तरह सपोज उस पश्तो जो बोलने वाला है उसको इंग्लिश भी आती है उर्दू भी आती है ठीक है वो उर्दू भी बोल लेता है इंग्लिश भी बोल लेता है लेकिन उसकी जो स्पीच कम्युनिटी है वो ऑलवेज़ कौन सी होगी उसकी अपनी लैंग्वेज जो मदर टोंग है दैट्स पश्तो या उर्दू होगी तो वो उसकी जो मदर टोंग मतलब स्पीच कम्युनिटी है वो क्या है उर्दू होगी अगर पंजाबी है तो उसकी पंजाबी होगी स्पीच कम्युनिटी पंजाबी होगी सो दैट कम्स इन अ पर्सन हु स्पीक्स उर्दू इंग्लिश पश्तो या एनी लैंग्वेज सो विच इज़ हिज़ या हर स्पीच कम्यूनिटी सो हिज़ या हर मतलब उसकी जो है फिर जो जो मदर टोंग होगी वही उसकी स्पीच कम्यूनिटी होगी फिर इसके बाद बात करते हैं नेटवर्कस एंड रेपरटाइज रेपरटाज़ अब इसका क्या मतलब है सो इट मीन्स अ पर्सन कैन बी पार्ट ऑफ वीरियस स्पीच कम्युनिटीज मीन्स कोई भी शख्स है वो वीरियसपीच कम्यूनिटीज़ का उसे इसका तालक हो सकता है सम देट इंटरेक्ट एंड सम देट डोंट कुछ इंटरेक्ट करते हैं कुछ नहीं सर्टन इंडिविजुअल्स में बी इन वन और मोर ग्रुप्स बट नॉट अदर्स द लैंग लैंग्वेस्टिक रिपोर्ट्रायर ऑफ वन इंडिविजुअल स्पीकर डिटरमाइंड बाई द लैंग्वेज वाइट इज़ दैट ही और शी नोज एंड यूज इज़ विद इन हिज और हर स्पीच कम्यूनिटी लाइक एक्टिव एंड पेसिव नॉलेज इसके अगर रिपोर्ट्राइज की मैं अगर सिंपल सी डिफिनेशन बताऊँ तो उसका ये मतलब है सबसे पहले इसकी डिस्क, डिस्कस करती है कि ओपन नेटवर्क्स है क्या या क्लोज नेटवर्क्स क्या है डेंस नेटवर्क क्या है मल्टीप्लेक्स नेटवर्क क्या है ओपन नेटवर्क नेटवर्क से मुराद मीन्स एक जाल जो होता है एक जाल जहाँ पे मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो ओपन नेटवर्क प्रोवाइड करता हो जहाँ पे इसके यूज़र जो है इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं न्यू हो या पुराना इन्फॉर्मेशन हो या न्यू इन्फॉमेसन हो वो शेयर करते हैं तो ये सारे क्या ये नेटवर्क में आते हैं मींस एक स्पीच कम्यूनिटी से भी बिल्ड होती है अब ओपन नेटवर्क क्या है अ नेटवर्क विच प्रोवाइड्स ओपन या नेटवर्क टू इट्स यूजर्स इंफॉर्मेशन इज़ ओपन न्यू एंड ऑफ इम्पोर्टेंट अ सीरियस ब्लॉगर विजिटर्स ऑफ ब्लॉग इस तरह क्लोज नेटवर्क क्या होता है मोस्टली स्ट्रॉन्ग information that flows in those networks tend to be rudent or and inefficient face book dense network me people you know and interact also know and interact with one another or multiplex network may conserve blog they tie together in network in a network like strong social cohesion feelings of solidarity my feelings of solidarity

Uh, the language repertoire is the set of skills and knowledge a person has of one or more languages and different varieties. ismikiati, diatopic means related to region or, or diphasic related to different degrees of formality. Dysatratic related to difference of social class. dichronic, related to historical change. तो इनमें ये आता है फिर इसके दो ये अकॉर्डिंग टू प्लेट प्लेट ने क्या कहा था कि रिफ्रेटरीज इज़ द रेंज ऑफ लिंग्विस्टिक वाइटीज़ विच द स्पीकर हैज़ एट हिज़ और हर डिस्पोजल एंड ही शी मे अप्रोप्रोटली यूज़ अ मेम्बर ऑफ हिज या हर स्पीच कम्यूनिटी वही बात है कि एक शख्स जिसके पास स्किल्स होते हो मीनस वो स्किल कौन से होंगे वो जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो बोलता हो हैज वन और मोर लैंग्वेज एंड डिफरेंट वाइटीज़ में उसको वो स्किल्स को यूज़ करता हो तो देट्स कम्स इन रेप अब इसके दो टाइप्स ही कह लें वर्बल रिपटायर वर्बल रिपोर्टायर का क्या मतलब है द टोटलिटी ऑफ लैंग्विस्टिक फॉर्म्स एम्प्लॉइड इन अ सोशली सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन इसमें क्या आता है वो कैबलरी आ जाता है ग्रामर आ जाता है और स्पीच रिपारे में क्या आता है लैंग्वेस्टिक्स वीज़ यूज बाय अ स्पीच कम्युनिटी और बट इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ग्रुप इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पीच कम्युनिटी आल्सो दैट एन इंडिविजुअल बिलोंग्स टू वेरियस स्पीच कम्युनिटीज एट द सेम टाइम बट ही और शी विल एडेंटिफाई विद ओनली वन ऑफ दैम तो उसकी जो पहचान होगी वो हमेशा एक ही लैंग्वेज से होगी सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और ज़रूर इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि क्या स्पीच कम्यूनिटी वाकई एग्जिस्ट करती भी है या नहीं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ